देखो बॉस, अदरक का एक बड़ा टुकड़ा नीम की 20 पत्तियों के साथ करेले के सिरप में डालकर अगर आदमी दिन में 3 बार जब पिएगा ना, तब भी जाकर उसकी वो बीमारी ठीक नहीं होगी जो उसको मिस्टर मम्मी देखकर लगेगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये पिक्चर नहीं है, पिक्चर नहीं है, बल्कि 3 दिन पुरानी रखी वो बासी दाल है जिसको सूंघने भर से तुम्हारी टट्टियां लग जाएं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये? ये पिक्चर अपने नाम से ही आपको सबसे बड़ा स्पॉइलर देती है। साफ साफ पोस्टर पर लिखा हुआ है मम्मी, ये माताजी वाला मदर वाला मम्मी नहीं है, बल्कि वो मम्मी है जो इजिप्ट के पिरामिड्स में रखी हुई है। खत्म, टाटा, गुड बाय, गई। क्योंकि थिएटर से कोई जिंदा तो वापस नहीं आने वाला, इसको देखकर मैं बता रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या आदमी? क्या हो गया बाबा भाई, इतना क्यों पके हुए? पका नहीं हूँ, दिमाग से थका हूँ भाई साहब, अब आराम चाहता हूँ जिंदगी में, सब कुछ देख लिया, आई हैव अराइव्ड। अरे बता तो पिक्चर के बारे में। देखो, थिएटर से मैं ऐसे बाहर निकला हूँ जैसे अमिताभ बच्चन इस गेट से बाहर निकले, ऐसे। और 2 डिस्प्रिन की गोली और 1 डिब्बा झंडू बाम रगड़ने के बाद ये रिव्यू बना रहा हूँ भाई साहब। क्या ही जहर पिक्चर बना दी आपने। राहत इंदौरी का एक शेर है। कौन सा शेर? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूँ, बता जिंदगी इंतजाम क्या क्या है। फिल्म के मेकर्स ने इस शेर को बड़ा सीरियसली ले लिया है और हमारी ऑडियंस के लिए वो इंतजाम करके रख दिया जिसको देखने के बाद आदमी या तो अपनी आंखें दान कर देगा या फिर फिनाइल का कुल्ला करके मर जाएगा। थिएटर में लिटरली सबकी हालत ऐसी थी, सब कह रहे थे एक दूसरे से, अरे कोई है, निकालो, निकालो मुझे वहां से, निकालो। देखो, कहानी के बारे में तुमको क्या ही बताऊं। एक कपल है, रितेश और जेनिलिया, 20 साल से एक साथ हैं, कोई बच्चा नहीं है क्योंकि रितेश को नफरत है बच्चों से। उनका एक बहुत ही सडलॉक लेवल का रीजन भी इसमें दिया है। अब फिल्म चल रही होती है, खबर आती है कि जेनिलिया प्रेग्नेंट हो गई है। रितेश इस बात से खुश नहीं है, झगड़ा झंझट होता है, वो घर छोड़ के चली जाती है। अब यहां तक तो टॉर्चर में फिर भी बर्दाश्त कर गया था पॉपकॉर्न खाते खाते, लेकिन इसके बाद मेरे पॉपकॉर्न हो गए खत्म, एकदम वैसे ही जैसे पिक्चर से कॉमेडी और लॉजिक हो गए थे खत्म। फिर बाद में रितेश को मालूम पड़ता है कि वो भी प्रेग्नेंट हो गए। अब पिक्चर की कहानी यही है कि क्या वो जेनिलिया को वापस ला पाते हैं या नहीं, और क्या वो सच में प्रेग्नेंट हैं भी या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि पिक्चर में सब कुछ एवरेज बिलो एवरेज है। राकेश बेदी सर की एक्टिंग लिमिटेड टाइम में ही सही लेकिन अच्छी है। एक वही थे जिनको देख कर ये पैंडेमिक सर्वाइव किया हो। दूसरा, फिल्म का टॉपिक बढ़िया था, एग्जीक्यूशन उतना ही खराब। कुवैत सिंड्रोम के बारे में बनी ये फिल्म अपने एंड में बस 10 सेकंड में उसके बारे में बताकर खत्म हो जाती है। अब ये वो सिंड्रोम है जिसमें मर्दों के अंदर प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए गूगल बाबा से संपर्क करें। लेकिन सोचो क्या ही टॉर्चर रही होगी ये फिल्म। 1 घंटे 37 मिनट में भी इतनी लंबी लग रही थी कि भैया समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था थिएटर वालों को बोल दें कि भैया 200 की टिकट है, इंटरवल तक देख लिया है, बाकी के 100 रुपए की राधे या हीरोपंती ही लगा दो। उड़ता हुआ टाइगर श्रॉफ और भागते हुए भाई को ही देख लूं। फिल्म के डायलॉग्स में बताता हूं, राकेश बेदी जी का एक डायलॉग है, मेरी बेटी की कोक भर दे। यहां उन्होंने रितेश को कोक का ग्लास भरने को बोला है। वेरी फनी। खैर, कहने का मतलब यही है कि जेनिलिया और रितेश अपने इंस्टाग्राम के रील्स को अगर कंपाइल करके 1.5-2 घंटे का एक वीडियो भी बना देना तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा भाई। तो खैर, कोई नहीं, कि आपने देख ली या फिर नहीं, आपके कर्म अच्छे हैं, भगवान आपको ऐसा दिन न दिखाए ऐसा सोच के आप पिक्चर देखने नहीं गए, तो जो भी हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ये भी जरूर बताएं कि वीडियो आप देख कहां से रहो। बाकी और कौन सा रिव्यू देखना चाहते हैं यहां कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।